नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देने वाला हूँ, और ख़ासतौर से जो व्यक्ति रोहतक में रहते हैं, रोहतक के आसपास रहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। रोहतक का जो टिटोली गांव है, वहां पर मुसलमानों के द्वारा ईद पर गाय को मारा गया। वो गाय को काटने वाले थे, उसकी गर्दन उड़ाने वाले थे मांस मीट खाने के लिए, लेकिन वहां पर गांव के लोगों को पता चल जाता और वो वहां पर आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों, मुख्य बात यह है, सोचने की बात है कि एक गाँव जो कि हिंदुओं का गाँव है, जहाँ पर कुछ परिवार मुसलमानों के रहते हैं, उनमें इतनी हिम्मत बढ़ कैसे गई कि उन लोगों ने गाय को मार दिया। अब दोस्तों, जब मैंने आज सुबह अखबार में खबर पढ़ी तो मैंने उसमें एक उनका तर्क देखा मुसलमानों का। उन हराम खोरों ने एक बात कही कि गाय ने हमारी लड़की को टक्कर मारी थी, हमने इसीलिए उसको मारा, गाय को पीटा। तो क्या टक्कर मारने से थोड़ी टक्कर लग गई तो क्या उसको बिल्कुल समाप्त कर दोगे? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा भाई, टक्कर तो हमारे को भी लगी है, हर किसी को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लग जाती है। कभी कोई गाड़ी है थोड़ी साइड लग जाती है तो इसका मतलब थोड़ा उसको तोड़ दो या मार दो। ये तो दोस्तों, और ईद पर ही क्यों, जब तुम्हारा बलि प्रथा का समय आता है तभी तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, आप में से जो भी व्यक्ति वहाँ पर आसपास रहते हैं, जो भी व्यक्ति टिटोली गाँव के आसपास रहते हैं, ज़्यादा संख्या वहाँ पर जाएँ और पता लगाएं, देखें क्या और क्या नहीं है। प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाएं, ज़्यादा दबाव बनाएं, पुलिस पर दबाव बनाएं, क्योंकि ये बात गांठ बांध लेना, यदि तुम लोग दबाव नहीं बनाओगे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं जाओगे, नहीं दबाव बनाओगे, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उन्हीं को ही दबाया जाता है। तो एक गाय की हत्या कर दी गई बलि के लिए, तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? अब देखना ये है कि वहाँ पे पंचायत भी होनी है, देखते हैं वहाँ पे उस पंचायत का क्या फैसला आता है। कुछ फैसला आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर उसके माध्यम से ज़रूर बताऊँगा, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और दोस्तों, जो भाई हरियाणा में वहाँ पे आसपास रहते हैं तो वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति को ये खबर मिले और वहाँ पहुँचे और प्रशासन पर दबाव बनाए, क्योंकि एकजुट होना बेहद ज़रूरी है। और ये पहला वाक्य मत मानना, पहला ही हादसा मत मानना, ये ऐसे ऐसे हादसे बहुत होंगे, शुरुआत है ये अभी इसकी, यहाँ पर जहाँ पर ये बहुत कम है वहाँ पर अभी शुरुआत है, तो इसको अभी इसी समय दबा दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपनी एकता दिखाओ, इस वीडियो को शेयर करो और हरियाणा वाले भाइयों के साथ में शेयर करो जो वहाँ पर रहते हैं, तो ताकि ज़्यादा दबाव बने सरकार के ऊपर, अधिक से अधिक लोगों को पता चले और वहाँ पहुँचे और उन पर दबाव बनाए, ताकि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मौत की सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, तो ही बढ़िया रहेगा। और बाकी पंचायत का देखते क्या फैसला आता है, यदि कुछ विपरीत फैसला आता है तो इसका मतलब साफ है कि हिंदू नपुंसक कायर हो चुका है और उनके अब पंचायत में भी कोई दम नहीं रहा है, यदि गलत फैसला आया तो। और यदि सही फैसला आया, उनके खिलाफ आया, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा इन दुष्टों को सबक सिखाने का। आप सभी को नमस्ते, फिर मैं देखते हैं वीडियो के साथ में।